कंपटीशन होने जा रहे हैं। ला ला ला। मुझे हल्के में ले रही हैं। ये जो ड्राई वाला मशरूम है ये कहाँ इस्तेमाल होगा? नूडल्स में। मैं तो अपना काम कर रही हूँ। इनको पता था मैं इनको देख रही हूँ। आके देखे। अलग ही हो गया है। इस फ्राइंग पैन ने रिटायरमेंट ले ली है किचन की दुनिया से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है शेफ अरूज और किचन केमिस्ट्री को आप लोगों तक लाने के लिए हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर साथ देते हैं। हमारा रोज पेटल की जानिब से जूप टिश्यूज हैं, नॉर का फ्यूजन नूडल्स हैं, हमारे पास फूड पैंडा है, हमारे पास सनसिप लीमू पानी मौजूद है, वॉल्स आइसक्रीम भी हमारे साथ होगी और इन सब चीजों के साथ हम लोग बहुत मजेदार मजेदार की किचन केमिस्ट्री और किचन फ्यूजन बनाएंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं सोशल मीडिया जबरदस्त किस्म की इन्फ्लुएंसर रबीका खान। अस्सलाम वालेकुम रबीका, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी? मैं बहुत अच्छी हूँ। सुना है कि आप सिंगिंग भी करती हैं, आप कुकिंग भी करती हैं, वीलॉग्स भी बनाती हो, टाइम कब मिलता है? टाइम मिल जाता है क्योंकि टाइम ही इसी चीज के लिए है ना, सारी चीजों को मैनेज करना इट्स वेरी हार्ड। लेकिन फैमिली के लिए कैसे टाइम निकालती हो? फैमिली के लिए टाइम ही टाइम है, मतलब काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली है। सबसे पहले तो वेलकम करना चाहते हैं, ये है हमारी वेलकम ड्रिंक सनसिप लीमू पानी, जो कि एक पाकिस्तानी यू नो एक मुनफरिद किस्म की ड्रिंक है, विटामिन सी से भरपूर है, रिफ्रेशिंग है। हमारे मुल्क के अंदर लीमू पानी जो है वो बहुत ज्यादा पिया जाता है, हमारा एक रिवायती ड्रिंक है जो कि यू नो हम सब एंजॉय करते हैं। ठंडा ठंडा रिफ्रेश करेगा आपको। आपने कभी बाय द वे नॉर के ये फ्यूजन नूडल्स खाए? यस आई लव दिस, मुझे बहुत पसंद है। अक्सर ऐसा होता है ना कि मेहमान आ जाते हैं बताए बगैर और जल्दी जल्दी में क्या बनाएं क्या दें, सो आप एक्चुअली इन नूडल्स के साथ बहुत सारे मजे मजेदार किस्म के वेरिएशन कर सकते हैं और आज हम कुछ इसी तरह का वेरिएशन करने वाले हैं। वेरी नाइस, इंप्रेसिव। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है लेकिन लेट्स सी। देखें, हम बिल्कुल देखें। दो रेसिपीज बनानी है, आप रेडी हैं मेरे साथ कम्पीट करने के लिए? ओह माय गॉड। देखो आपने आपने देखें अपने व्लॉग्स के अंदर जी इतनी सारी चीजें बनाई, अब नाउ द टेस्ट is today. Oh my God, कॉम्पिटिशन होने जा रहे हैं। कॉम्पिटिशन होने जा रहा है, आज टेस्ट है। हर जंग के अंदर कुछ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि चीटिंग ना हो और मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। क्या करूँ, I'm so cool like that. Oh my God. दीवारें छीन खड़ी होगी हम दोनों के दरमियान में, हम क्या करें? हमें पता था कि बहुत अच्छा खाना बनाती है, हमने कहा मतलब जरा थोड़ा और मुश्किल करो और मुश्किल करो और इतना मुश्किल कर दो कि मतलब पहुंच ही ना पाए। आई एम श्योर आप पहुंच जाएंगी। बुलाइए दीवारें चीन और जल्दी से लगाते हैं दीवारें चीन। अच्छा जी नाजरीन, मेरे और रबीका के दरमियान में आ गई है ये इतनी बड़ी सारी दीवारें चीन, और दीवारें चीन का मतलब ये है कि रबीका मुझसे तीन सवाल पूछ सकती हैं जिसका मैं जवाब दूंगी, मगर चौथे सवाल पर तो रबीका आपको गेम मेरे साथ खेलनी ही पड़ेगी। हम खाना पकाना शुरू करें? करते हैं शुरू। ओके, रेसिपी जो है वो इतनी इजी है कि मैं बड़े आराम से। ओह माय गॉड, ला ला ला। मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। हाँ हाँ करें करें आप। पक्का? बिल्कुल टेंशन, मुझे तो लगता है आपने स्टार्ट ही नहीं किया है क्योंकि मैं चिलिंग कर रही हूँ। चिलिंग? मुझे हल्के में ले रही हैं आप, मुझे डरा रही हैं ये कह के कि मैं हल्के में आपको ले रही हूँ। पहला काम जो आप इस वक्त मैं करने लगी हूँ, रोज पेटल के जूप किचन टॉवल, इफ्तार में जो आप इतने सारे फ्राइड पकोड़े और समोसे और यू नो ऑल दोस थिंग्स खा रहे होते हैं उनके ऑयल को अब्सॉर्ब करने के लिए, यहाँ तक कि अगर आप अपने पकोड़े और फ्राइड आइटम्स इसके ऊपर रखेंगे ताकि ऑयल अब्सॉर्ब हो, तो 240 कैलोरीज तक अब्सॉर्ब कर लेता है ये टिशू। इतना शानदार और इतना ज़बरदस्त किस्म का प्रोडक्ट है, तो ज़रूर अपने किचन के अंदर लेकर आएँ। जब तक ये हो रहा है उतनी देर में मेरे पास हैं ये मशरूम्स, इनको मैं करूंगी स्लाइस। आई लव फ्रेश मशरूम। मुझे आपकी आवाज आ रही है क्या? आपकी सारी आवाजें आ रही हैं। मेरी सारी आवाजें आ रही हैं जी। हाँ जी, ये बताएं ये जो ड्राई वाला मशरूम है ये कहाँ इस्तेमाल होगा? नूडल्स में। तो नूडल्स में मतलब बनने के बाद या इसको पकाना पड़ेगा? आप अगर मुझसे ये पूछती कि इसको कैसे यूज करेंगे तो फिर मैं उसका जवाब देती ना। और दोबारा से पूछना पड़ेगा? ऑफ कोर्स, आपका एक सवाल जो है आपने वेस्ट कर दिया, व्हाट कैन आई से। और अब मैं बनाने लगी हूँ जल्दी से फास्ट फास्ट नॉर के फ्यूजन नूडल्स। नूडल केक होता है और एक ये स्पाइस मिक्स होता है। नूडल केक इस वक्त स्पाइस मिक्स हम यहाँ पे रखते हैं, सिर्फ हम केक जो है वो डालेंगे। रबीका फुल चीटिंग कर रही है।
मतलब मुझे आवाज आई थी पीछे से खड़क 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 टक टक रबी का फुल चीटिंग्स। अब पूछूं? प्लीज पूछिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं मुझे? जी हाँ, ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं। ये भी मुझे ऐसा लग रहा है मैंने वेस्ट कर दिया। क्या ये सवाल पूछ के? आप वैसे सवाल बहुत टॉप स्पीड पे वेस्ट करिए। गुड, अच्छा है कि आप वेस्ट करिए, क्योंकि फिर अगले तीसरे सवाल के बाद आपको फिर गेम खेलनी पड़ेगी। है जी जी, ऐसा ही है। चलें ठीक है। ये यहाँ पे मेरे पास ये है और इसके अंदर मैं डालूंगी और ये बहुत जल्दी, बहुत क्विक और बहुत एक मजेदार किस्म की रेसिपी है। किमची के बारे में छोटी सी एक बात आपको बताना चाहती हूँ। ये बेसिकली कोरियन अचार होता है, चाइनीज गोभी, ये इसके साथ बनता है किमची। अगर आप देखना चाहते हैं तो तकरीबन ऐसी लगती है। मजेदार बात जो ये है किमची के बारे में बताने की, कि ये जो नॉर का नूडल है ये भी किमची फ्लेवर है। बहुत हेल्दी होता है बाय द वे किमची। नूडल्स हैं ये, हो गए हैं और इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे रख रही हूँ। थोड़ा सा मैं लूंगी जो कि सबके घर में होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये हैं शिताकी मशरूम्स, ठीक है। इनको मैंने, आपने जैसे कि देखा कि ये कर लिया है, तो जब ये आप कर लेते हैं ऑपरेशन जो कि मैंने किया है, तो इसके बाद ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। और रबीका बिल्कुल मेरे पीछे यहाँ पे चल रही हैं। मैं तो अपना काम कर रही हूँ, देखती भी जा रही हैं। नहीं, बिल्कुल देख लिया मैंने रबीका। नहीं। अच्छा, इसका ये जो पानी होता है ना शिताकी मशरूम का, दिस इज लाइक गोल्ड, सही है। इट एड्स अ रियली नाइस उमामी फ्लेवर। तो मैंने, आपने नोटिस किया कि वो भी डाल दिया यहाँ पर। जो नॉर के मेरे पास ये पैकेट है, डालूंगी इसके अंदर। इसका मुझे अभी तक पता नहीं चला, लेट्स सी क्या होता है। किमची का जो जूस है, यानी कि इसका जो लिक्विड है, वो भी डाल रही हूँ मैं। तकरीबन 2 tablespoons इज गुड इनफ। उफ, इट्स ऑलरेडी स्मेलिंग अमेजिंग। और इसको मैं थोड़ा सा फिनिश करना चाहती हूँ, लिटिल बिट विद टाइनी बिट ऑफ। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको पका लेंगे। इसका जो वाटर होता है उसके अंदर थोड़ी सी होती है स्टार्च। अगर आप नूडल वाटर सेव कर लें, जैसे कि मैंने अपना सेव किया और रबीका ने बहा दिया, इसको भी हम पका लें। तो आप वो थोड़ा सा डालें तो थोड़ी इसके अंदर क्रीमीनेस आ जाती है आपके नूडल के अंदर, सही है। आई एम हैप्पी विद द सॉस एंड व्हाट आई डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली थ्रो इन माय नूडल्स, गिव इट अ क्विक स्टर। एंड बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरे नूडल्स जो हैं अच्छे से फ्लेवर्स को अब्सॉर्ब कर सकें। रबीका, आपने कोई सवाल करना है? सवाल वैसे ऐसे है नहीं, अच्छी तो चल रही हूँ वैसे। जबरदस्त, क्या बात है फिर। अच्छा, इसको हम फिनिश कर रहे हैं ये सेसमी ऑयल के साथ ऑन टॉप। इससे एक अच्छा सा एक यू नो उसके अंदर फ्लेवर आएगा। एंड द नूडल्स लुक हाउ दे आर ग्लिस्टनिंग, मतलब कैसे शाइनी और ब्यूटीफुल हैं। ये मेरे पास जूलियन हुए हुए ग्रीन अनियंस हैं। I'm going to do that. और ये एक जबरदस्त किस्म की डिश नंबर 1 रेडी। मीठे में बनेगा फ्रेंच टोस्ट और उसके साथ हम सर्व करेंगे बॉल्स का किंग कुल्फा आइसक्रीम। जी हाँ, बहुत स्पेशल ब्रेड है। मेरे पास नहीं है ब्रेड, मैं दे रही हूँ। और फिर आप जाने और आपका पीस ऑफ ब्रेड जाने, मैंने हाफ हाफ कर लिया है। रबीका, टन टन, थैंक यू। इसके पीसेस भी खुद करने? Oh God, ये तो काफी मुश्किल बना दिया, लेकिन कर लेंगे। ऐसा क्या बन रहा है जिसमें मुझे आवाज आ रही है? रबीका, पूछना चाहती है? इनको पता था मैं इनको देख रही हूँ। चलें ठीक है, पूछ लेती हूँ। क्या सवाल है आपका? ये जो हम फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं, बिल्कुल, तो ये हम बनाएंगे कैसे? अंडे फेंटेंगी, ठीक है। उसके अंदर आप डालेंगी अपना फ्रेंच टोस्ट, जिस तरह भी आपने काटना है वो, अब इतना तो नहीं मैं बता सकती, इतनी लुट नहीं है, ठीक है, ठीक है। और फिर आपने इसको फ्राई करना है जैसे फ्रेंच टोस्ट फ्राई करते हैं, और फिर आपने इसको सर्व कर देना है। यहाँ पे मेरे पास एक और आइटम है जो मैं चाहती हूँ रबीका मुझसे पूछें कि ये क्या आइटम है जो कि डालना निहायत जरूरी है। एक तो वैनिला एसेंस है। बड़ी बात है, सही किया ना? वाह भाई वाह रबीका, क्या बात है आपकी। मेरे पास ये अनकट ब्रेड है जो कि मैंने आधी रबीका को दे दी, आधी खुद यूज कर ली। आप इसके पीसेस काट के, आप अगर कट के साथ भी करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। ये कट भी मुझे खुद करनी पड़ेगी? करेक्ट। थोड़ा सा ये है एक्स्ट्रा जो मैं चाहती हूँ, वो कैरमलाइजेशन। तो अगर आप एक एक साइड पे डालेंगे ना तो वो एक अच्छा सा उसको कलर आ जाएगा।
वाह जी वाह, कलर चेक करें, वाह वाह वाह, मजा आ गया देख के। टन टन, रबीका को हम लेके जाते हैं गेप की जानिब। चौथा सवाल पूछ लिया है, तो चौथे सवाल का जवाब अगर आप चाहती हैं तो आपको खेलनी पड़ेगी हमारे साथ एक अदद गेम। मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, आसान, बहुत आसान है। आपको पहनाऊंगी मैं एक ब्लाइंड फोल्ड, डन, ठीक है? तो आप अपनी आंख के अलावा बाकी की जो सेंसेस हैं उनको इस्तेमाल करते हुए मुझे बताएंगी कि ये क्या आइटम है। सही जवाब पर मैं आपको जवाब दूंगी, डन। तो ये आप पहन लीजिए। टन टन, अब आप ये बताएं कि ये आइटम क्या है। कुछ खुशबू है? नहीं, खुशबू समझ नहीं आ रही। नमक लग रहा है। खा के देखते हैं, खा के भी देख सकती हैं। नमक, नमक, करेक्ट। मगर इतना जल्दी हम आपको नहीं जाने देंगे। अब आप अगला, यकीनन कुछ मुश्किल होगा। नहीं नहीं, ये लें, ये क्या है? जेली। क्या बात है, जबरदस्त, मुबारक भाई। मतलब बहुत सॉलिड चल रही हैं, कंग्रेचुलेशन। अच्छा, मैं हाथ उनको ताली मारने लगी थी और अच्छा, मुझे एकदम से रियलाइज किया कि रेबेका को कुछ नजर ही नहीं आ रहा। यस, पास कर लिया, क्या जबरदस्त बात है। चलें अब वापस अपनी कुकिंग की जानिब बढ़ते हैं। आइए रबीका, अब अपना सवाल तो पूछें। क्या सवाल था आपका? मुझे ये बताएं कि मक्खन पूरा जो है वो हम फ्राई करने में यूज करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ फ्राई के अंदर ही यूज होगा। मेरा तो रेसिपी बाय द वे नाज़रीन बन चुकी है। वाह जी वाह। जब भी आप कुछ इस तरह का फ्राइड आइटम बना रहे हैं तो मेक श्योर करें कि अगर आप उसको ड्रेन कर सकें तो और भी अच्छा होगा। जैसे कि मैं इस वक्त अपना ये फ्रेंच टोस्ट जो है ये इसको ड्रेन कर रही हूँ रोज पेटल के जूप किचन टावल के ऊपर। तो और ड्रेन करने से ये होगा कि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगी वो आप ब्लॉट कर सकते हैं। कैन यू सी? मेरे साथ तो कुछ अलग ही हो गया है। अच्छा जी, सच में ऐसे मुझे बड़ी कंफ्यूजन है। वैसे मेरी ब्रेड जो है वो टूट रही है। मैं भी जरा देखती हूँ मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दी। ये देखिए मेरी ब्रेड के साथ क्या हो गया। इतनी बेदर्दी से मेरे ख्याल में दर्जी जो है ना ईद का सूट भी निकालता। ये ना चल जाए। ओ, ये ऑन ही नहीं था। चलेगा चलेगा। अच्छा, यहाँ आई तो ऑन ही नहीं, बोली पक क्यों नहीं रही। ये रहा वॉल्स का जबरदस्त किस्म का किंग कुल्फा। साथ इसके हम लगाएंगे क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी सी सीजन में है इन स्ट्रॉबेरीज। सही। और रबीका, आप कहाँ तक पहुँची हैं? बस तकरीबन मेरा भी हो गया है। वेरी गुड, ये तो आपने बड़ी अच्छी मुझे खबर सुनाई है। क्या जबरदस्त, ऐसे लगता है कि रबीका के किचन के अंदर एक बम फटा है। प्लीज क्लोज शॉट बनाइए फ्राइंग पैन का। इस फ्राइंग पैन ने रिटायरमेंट ले ली है किचन की दुनिया से। अगली किचन केमिस्ट्री के एपिसोड में ये फ्राइंग पैन नहीं नजर आएगा आपको। जबरदस्त, रबीका की भी डिश तैयार है। अब ये हट जाएगी दीवारें चीन। अब हम दीवारें चीन को हटाते हैं ताकि हम आपको भी दिखा सकें कि हमने यहाँ पे क्या कारस्तानी करी है। ट्राई करते हैं आपकी डिश। आप करेंगे ट्राई? ऑफ कोर्स। नाइस, हाई फाइव रबीका। नहीं, इसमें रबीका का कमाल कम और नॉर के फ्यूजन नूडल्स का कमाल ज्यादा है। दूसरी डिश भी टेस्ट करते हैं हम रबीका की। इसको टेस्ट करते हुए क्वाइट फ्रैंकली मुझको थोड़ा सा डर लग रहा है। है तो वैसे अच्छा, बुरा नहीं है ऑनेस्टली। फ्रेंच टोस्ट के साथ मैं ट्राई करना चाहती हूँ वॉल्स का किंग कुल्फा। क्या ही बात है, फिर तो किंग कुल्फा की बात ही अलग है ना। अमेजिंग फ्लेवर है, जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं ट्राई किया तो आपको मजा नहीं आएगा जिंदगी का। तो मुझे और रबीका को आप इजाजत दीजिए, हम मिलेंगे आपको दोबारा एक नई एपिसोड के अंदर। थैंक यू सो मच रबीका, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। हाँ, मैं किचन केमिस्ट्री सीजन 3 के सेट पर पहुंच गया हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे रेसिपीज जो है ना सारे पहले मिल जाएं ताकि मैं शेफ को हरा लूँ। सो डोंट वरी, आपको आता है, तुम फिक्र नहीं करो। रिलैक्स, मुझे हराना थोड़ा मुश्किल है मगर फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपने ट्राई कर लिया तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा एक्चुअली शो पे।
आ जाओ।